एक अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने किया है सुमित तिवारी जी ने। मैं उनको शुभेच्छा देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम इन्होंने हमारे एरिया में से ही शुरू किया है, इसलिए मैं खास करके उनको बोला है मैंने कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। झारखंड से आए हैं, नगर सेवक है, लेकिन यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जैसे आपने बताया वैसे ही कॉमेडियन हो या और भी कलाकार हो, इनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल है कैमरा बस, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी के लेवल पे भी मैं देख रही हूँ और एक अच्छी कोशिश भी देख रही हूँ। पूरे सपोर्ट के साथ ये शुरू करने के बाद लोगों ने कहा भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तिवारी जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और एक अच्छा काम कर रहे हो इसलिए उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों को भी शुभेच्छा देती हूँ। तो जैसे ताई ने कहा, अभी इस वक्त सोशल मीडिया या यूट्यूब और यही आगे का फ्यूचर भी है, तो ऐसे में इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है ये कलाकारों के लिए अमृत की तरह काम करेंगे, उनको जीवन दान देंगे। कई ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं कैमरा बाज के पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे सुमित भाई का, अंजलि भाभी का, जो आज ताई के शुभ हाथों से इनॉग्रेशन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं। एक कॉमेडियन होने के नाते मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि ये हमने जो दो साल तक पिछले खासकर दुखों के पहाड़ झेले हैं, तकलीफें झेली हैं, दर्द देखा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास कॉमेडी की, हंसी मजाक की ऐसी चीज़ें पहुंचेगी कि आप अकेले में जहां पर भी होंगे, परिवार का कोई भी सदस्य होगा, चाहे तो मोबाइल पर और यूट्यूब पर ये अवेलेबल। और खासकर इसकी खासियत ये है कि एकदम साफ़ सुथरा कंटेंट है, मतलब पूरा परिवार एक साथ भी देख सकता है। और अगर कोई आप कहीं अगर अकेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहीं भी देख सकते हैं, ये इसकी खासियत है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस ग्रुप के साथ ज्वाइन होकर, और खासकर हमारे आकृति भाभी का, जिनके स्टूडियो में, शकुंतला स्टूडियो में ये शूट हुआ, और मेरे दो साथी कलाकार अमोल सोनी और केटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल बहुत एक्साइटमेंट है, आपने टीजर भी देख लिया है, टीजर में इतना एक्साइटमेंट है तो जब असली चीज़ सामने आएगी तो क्या होगा। हमारे सारे स्पेशल गेस्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे गुरु बिरबल जी यहाँ पर मौजूद हैं, मित्रेश जी यहाँ पर मौजूद है, और मेरे बाकी सब कलाकार, तो सबको मैं बहुत एक्साइटेड हम लोग, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और जिसको मैं समझता हूँ कि जो हमारे कंटेंट पे बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग हमारे इस ओकेजन पे पहुँचे हैं, थोड़ा तकलीफ दिया हूँ आप लोगों को। कैमराबाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जितने भी कलाकार हैं, ये एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म है, जिन कलाकार को अपना कला प्रदर्शित करना है, इधर वो स्टैंड अप कॉमेडी करें, सिंगिंग करें, पोएट्री करें, स्टोरी टेलिंग करें, हम उनको बहुत एक हमें खुशी होगी कि हम उनको वेलकम करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म ही उन्हें उनके लिए बना है। वो बिल्कुल बेशक आए, लोगों को हंसाएं, इंटरटेन करें और हमारे इस चैनल को आगे लेके चलें, ताकि और बहुत मज़ा है इसमें, इस चैनल में बहुत इंटरटेनमेंट है, इसमें आपको लाफ्टर, कॉमेडी, अगेन रिपीटिंग अगेन सिंगिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, जो दबे पड़े हैं, जो किसी न किसी रूप, किसी न किसी कारणवश अगर उभर के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, वो दब चुके हैं, या उनको एक छोटा सा बात बोलूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जैसे सुनील सर ने बताया, तो ये वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बड़े छोटे कलाकार आके अपना कला को प्रदर्शित कर सके। मैं कला से बहुत प्रेम करता हूँ, एक तरह से बोला जाए तो मैं भी एक कलाकार ही हूँ,
तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, मैं सोचा अपने ही प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इस चैनल पे मैम के मैडम के द्वारा जो भी इनका एनजीओ का प्रोग्राम है या जो भी लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है हमारे चैनल पे आप जरूर देखेंगे। हमारे इस कैमराबाज प्लेटफॉर्म पे आप हर बड़े आर्टिस्ट को देख सकते हैं, हर बड़े कलाकार आएंगे, छोटे कलाकार आएंगे, एक उभरते हुए कलाकार आएंगे, आपको हमारे इस चैनल पे हर रूप के कलाकार मिलेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव माजिया जी हैं। राजीव जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आई लव यू टिंकू। हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगा सुमित जी को, क्योंकि जैसे सुमित जी ने कहा, सबने कहा, एक कलाकार के लिए सराहना बहुत ज़रूरी होती है, और सराहना तब मिलती है जब उसकी कला लोगों के सामने आती है, और लोगों के सामने आने के लिए एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हर एक कलाकार यही चाहता है कि मुझे एक मौका दिया जाए जहाँ पर मैं अपना फन, अपना हुनर दुनिया के सामने लेकर आ सकूँ। और YouTube में हर तरह के चैनल्स हैं, कोई खास तौर पे सिर्फ फूड के लिए हैं, कोई ट्रैवल के लिए हैं, कोई ब्यूटी के लिए हैं, लेकिन एक मुझे लगता है ये एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जिसे बोलते हैं कि यूट्यूब में आएगा, शायद पहली बार होगा ऐसा जहाँ पर ये खुद ही कह रहे हैं कि म्यूज़िक भी होगा, कॉमेडी भी होगी, सिंगिंग भी होगी, पोइट्री भी होगी, करंट अफेयर्स भी होंगे, जो हमारे जन समाज में चल रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो हर तरह की ऑडियंस को ये केटर करेगा, बहुत ही अच्छा आइडिया मुझे लगता है, मेरा पूरा सपोर्टिंग हमेशा रहेगा, और मैं चाहूँगा कि मैं भी जितना योगदान दे सकूँ मैं दूँ, और हम सब सपोर्ट करेंगे, एंड माय ऑल द बेस्ट गुड विशेस। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो छोटे बच्चे को भी पसंद होता है और बड़े को भी पसंद होता है, तो नाउ फॉर अस कैमरा इज अ लाइफ कैमरा फॉर एवरीथिंग, और अब कैमरा बाज आएंगे हम लोग और कुछ ना कुछ तो करेंगे अच्छा, राइट ब्रदर, विद सिंगिंग ऑल्सो, विद एक्ट ऑल्सो। सर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और सबसे जो मुझे अच्छा लगा, ये नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, कैमरा बाज, मतलब चाल बाज, रंग बाज ये सब सुने थे, पर कैमरा बाज पहली बार, ये नाम बहुत प्यारा है, और मुझे लगता है कि लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और कंटेंट जो यहाँ मिलने वाला है मुझे लगता है सबसे डिफरेंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्त सत्येंद्र जी कुछ ऐसा, कुछ नया कंटेंट लेके आएंगे, और मेरी गुड विशेज हैं सुमित जी के लिए भी और सत्येंद्र जी के लिए भी, कि ये चैनल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। पहले तो मैं बीरबल जी के लिए बोलना चाहूँगा कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम, कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारे बॉलीवुड के जो दिग्गज, यानी कि शोले फिल्म से लेकर जाने कितनी अनगिनत फिल्मों के साथ साथ आज भी हमारे बीच में है, और कहते हैं कि कैमराबाज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं यानी संजय वर्मा की तरफ से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। यस यस, कैमराबाज के लिए ये जो नया चैनल आ रहा है इसमें हम जैसे पुराने पुराने लोगों को भी पब्लिक को देखने का मौका मिलेगा। यस, क्योंकि फिल्मों वाले तो अभी हमें बुलाते हैं, कहते हैं यार बीरबल तो अभी बूढ़ा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा है बूढ़ा आदमी कभी नहीं होता। देवानंद ने मुझे फार्मूला जो बताया है मैं उस पर चल रहा हूँ, और खूबसूरत लड़कियों को देख कर यंग फील कर रहा हूँ। यानी कैमराबाज के लिए यानी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आजकल यानी हर इस एंटरटेनमेंट के जमाने में एक नया नया तरोताज़ा, हमें कॉमेडी चाहिए, म्यूजिक चाहिए, हर सब, यानी कि साज आवाज अंदाज का पूरा संगम है, और इस संगम में छोटे बच्चे ही पसंद करते हैं और बड़े ही पसंद करते हैं कैमराबाज। और मैं बचपन से किशोर कुमार का फैन हूँ, उसी को देखकर एक्टर बना, उसके गाने गाता था बचपन में और आज भी गाता हूँ मैं स्टेज शोज वगैरह में जाके, और अभी तक की उम्र में भी गा सकता हूँ। एक उसका गाना है जिसकी मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। प्यार
प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार है जिंदगी की निशानी। कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सभी को वंशिका वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक करना चाहूँगी कि आपने मेरे करंट शो को बहुत प्यार दिया मीडिया ने, जिसका नाम था निकी और जादुई बबल। सो जय वर्मा है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी को जय वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे बहुत सारे सीरियल में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल, सबवन इंडिया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कुल्फी कुमार बाजेवाला, बहुत सारे सीरियल में मैं आते रहता हूँ। और मैं क्राइम पेट्रोल में ज़्यादातर मैं बहुत सारी एपिसोड्स कर मैंने कर चुका हूँ। और आज है कैमरा बास का मतलब लॉन्चिंग पार्टी है, तो बहुत ही मैं आपको शुभकामना चाहूँगा कि मतलब कैमरा बास बहुत ही आगे बढ़े। और कि और आजकल जो है डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हर कलाकार को, नए कलाकार को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो कैमरा बास जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उन्होंने, और बहुत सारे लोगों को एक नया मंच मिलेगा। उसी के लिए मैं कैमरा बास को बहुत ही थैंक करना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच भाई। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अमोल सोनी, मैं स्टैंड अप कॉमिक तो हूं ही, लेकिन लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते करते, कई अलग अलग चैनल पे परफॉर्म करने के बावजूद भी ये हमेशा महसूस हुआ कि यार वो इत्मीनान से परफॉर्म करने को नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह सेंसर होता है, 10 तरह के कारण होते हैं, 10 राइटर बिठा देते हैं टीवी में, ऐसा करो वैसा करो। बट कैमरा बाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमें पूरी आज़ादी मिली हमारे जोक्स क्रैक करने के लिए, एक अच्छी ऑडियंस मिली, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिला कि जहाँ पे हमको ये महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पर कलाकार जिंदा दिली से परफॉर्म कर सकता है बिना किसी डर के। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टैंड अप का इतना सूखा था मेरे जीवन में कि मैं क्राइम पेट्रोल करने लग गया था। आप मतलब मेरा जोक भी कह ले कुछ भी कह ले, क्राइम पेट्रोल में इतना क्राइम किया है कि मेरा आंकड़ा आप गाजियाबाद से ज्यादा हो चुका है। तो वो वाली हालत है, जो हंसा हुआ गाजियाबाद का ही था। लेकिन खैर मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि कैमरा बाज का जो लॉन्चिंग है वो इतने बड़े लेवल पर हुआ है। और सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, शूटिंग के पहले दिन जरा भी नहीं पता था मुझे कि इतना बेहतरीन तरीके से शूट होगा और इतना बेहतरीन तरीके से लॉन्चिंग होगा। मैं खुद गदगद हो गया हूँ। थैंक यू सो मच कैमरा बाज, थैंक यू सो मच। अरे नहीं सर, बस सर मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट है वो आ जाए कैमरा बास के प्लेटफॉर्म पे और अपनी अपना कला दिखाइए। और क्योंकि बहुत से ऐसे अभी यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए जो कॉमेडियंस को फिर सिंगर्स को चांस देती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लॉन्चिंग और इतनी अच्छी तरह से, मतलब ये लोगों ने पहले दिन शूट किया सुमित भाई ने कैमरा बास के जरिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ रहा है। बस यही कहूँगा कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे कलाकारों को चांस देते रहे कैमरा बास। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एक मशहूर शेर है कि देखो जरा लोगों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले बेच देते हैं हवा भी गुब्बारों में डाल के। तो आज हम जो देखते हैं सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल है। ऐसे में जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पर यू नो दैट देयर इज जेन्युइन टैलेंट लाइक हिम, आई थिंक वी हैव वर्क्ड इन मेनी शोज टुगेदर, दिस मैन इज अ लेजेंड, व्हेन ही गोज ऑन स्टेज ही इज अनस्टॉपेबल। तो ये इस तरह का जब टैलेंट लेकर आते हैं जहाँ मालूम है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, अंदर से निकल रहा है जेन्युइनली, तो मजा आता है क्योंकि भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और कॉमेडी में आप चाहे पोएट्री में बोल लीजिए, जब तक वो स्पॉन्टेनियस नहीं है वो मजा नहीं है। सो यस, आई हैव टू से दैट कैमरा बाज इज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, एंड आई रियली होप ऐसे प्लेटफॉर्म ज्यादा आए जहां पर नेचुरल टैलेंट उभर कर आए, सब कुछ जो है बहुत आर्टिफिशियल हो गया है। थैंक यू सो मच।